वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि जब सॉलिड स्टेट में होता है तो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसे, अगर हम मोल्टन स्टेट में लाएँ, मतलब इसे पिंगली हुई अवस्था में लाएँ, इसे लिक्विड स्टेट में अगर ले आते हैं बहुत ज़्यादा हीट देने पर, इसे जब मेल्ट करते हैं तो ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, क्योंकि मोल्टन स्टेट में जो सोडियम क्लोराइड है वो गुड कंडक्टर रहता है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स की ये सब प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड जब एक्वस पानी में घोल रखा है तो भी गुड कंडक्टर रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सोडियम क्लोराइड अगर मोल्टन स्टेट में है, अगर पिंगली हुई अवस्था में है, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया जाए और हमें क्या मिलेगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम में मैंने क्या एक्सप्लेन किया पहले उसे समझिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक कंटेनर ले रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड किस स्टेट में लिया गया, मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघला लिया गया। सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है इसे हमने क्या किया, इसे मेल्ट कर दिया, इसे पिघला दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड है। आप इस तरंगों को देख करके मत सोच लेना कि इसके अंदर वाटर भी ऐड है, तो वाटर नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। इसके अंदर एक ड्रॉप भी वाटर का नहीं है, ये प्योरली सोडियम क्लोराइड है जो कि मोल्टन स्टेट में लिया गया है, पिंगली अवस्था में लिया गया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इस मोल्टन स्टेट के अंदर जो है, जो सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दो इलेक्ट्रोड्स जो है इसके अंदर सेट कर दी, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर सेट करने के बाद एक बैटरी की हेल्प से इसको मैंने जो है सर्किट्स को जो है इसके साथ जो है कंप्लीट करवा दिया, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर आप बैटरी दिखाई दे रहा होगा जिसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है एक दो वायर्स के साथ इसे कनेक्ट कर दिया गया, समझ में आ रहा है। अब जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो स्टूडेंट्स होगा क्या, देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड के ऐसे ढेर सारे कंपाउंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब देखिए अच्छा खासा हमने कंटेनर के अंदर लिया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड्स यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आप सब बच्चों को पता है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब होगा क्या भाई, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं कैटायन और जिस पर नेगेटिव चार्ज रहता है उसे बोलते हैं एनायन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको कैथोड एनोड कैसे कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब स्टूडेंट्स सब बच्चों को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो देखिए कैटायन कहाँ जाएगा, किस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा, वो इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसे हम बोलेंगे कि ये कैथोड है, ठीक है। जहाँ पर कैटायन गया दैट इज नोन एज द कैथोड, उसे हम कैथोड कहेंगे। इसी तरह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एनायन कहाँ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा, तो इसलिए इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या कहलाया जाएगा, एनोड कहा जाएगा, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए तो सोडियम जो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो तो इसके ऊपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि सोडियम जो है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कि सोडियम बहुत सारे इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसे ढेर सारे कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक ही कंपाउंड के साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है वो एटॉमिक स्टेट में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में आएगा क्लोरीन, तो दो क्लोरीन आएंगे, तो सोडियम क्लोराइड में यहाँ पर तो क्लोरीन एक है, तो इसी तरह का एक और भी कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट होगा जिसके ऊपर क्लोरीन होगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से दो क्लोरीन्स यहाँ पर आपस में मिलकर के क्लोरीन गैस जो एनोड के ऊपर हम लिबरेट होता हुआ देख सकते हैं, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे सोडियम क्लोराइड का, तो ये डायग्राम आपको समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पूरे को डायग्राम को जो है अपना एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, इसे अच्छे से समझ भी सकते हैं, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद जो इसमें जिस कंटेनर के अंदर जो हमने रिएक्शन लगाया है, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स कोई ले रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जैसे कि सोडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन देना लेना ये तो रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट हो गया ना, तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बोला भी था कि भाई बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ना जरूरी है, तभी इस चैप्टर को आप और अच्छे से समझ पाओगे, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक बार चलते हैं इस डायग्राम में जो रिएक्शंस हुई हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे वो आपको एक्सप्लेन करना है, वो आपको लिखना है, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई जो रिएक्शन जो है एनोड के ऊपर हुआ, एनोड यहाँ पर देखिए जो एनोड है
इस एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हुआ है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्शन एट एनोड, एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हुआ है वो हुआ है भाई ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, समझ में आ रहा है। तो क्लोराइड ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पहुँच गया, समझ में आ रहा है। देखिए सर्किट तो ऐसे ही चलेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं भाई कि भाई यहाँ पर क्लोराइड जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्लोरीन जो है एटॉमिक स्टेट में चला गया। इसी तरह से दूसरा क्लोराइड भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एटॉमिक स्टेट में चला जाएगा। अब दो क्लोरीन जैसे ही यहाँ पर आएंगे, लिब्रेट होंगे, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, दोनों क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लेंगे जिससे क्लोरीन गैस जो है वो लिब्रेट होगी। तो यहाँ पर दोनों सीएल्स को मैंने ऐड करके ये क्लोरीन जो है यहाँ पर लिब्रेट होता हुआ दिखा दिया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन चल रहा है भाई एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज द प्रोसेस विच ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, समझ गए होगे ना। उसके बाद रिएक्शन अगर कैथोड पे देखें तो कैथोड भाई ये है और इस कैथोड के ऊपर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। अब सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सोडियम जो है एटॉमिक स्टेट में लेकर के आना है, ठीक है। अब देखिए सोडियम मेटल्स कैसे यहाँ पर हम निकालते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं जिसमें क्लोरीन तो हमें मिल ही गया, ठीक है, जिसके यूजेस आप सब बच्चों को पता है कि भाई क्लोरीन जो है पानी को साफ करने के लिए, ठीक है, और बहुत सारे यूजेस स्विमिंग पूल वगैरह जो सब में डाला जाता है, तो क्लोरीन जो है पानी को साफ करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसके यूजेस आप और भी बहुत सारे यूजेस आप पीछे क्लासेज में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्लोरीन हमें यहाँ से मिला है, उसके बाद देखिए सोडियम कैसे मिलेगा, तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आ रही है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा यहाँ से। तो एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद सोडियम जो है एटॉमिक स्टेट में चला जाएगा, यहाँ पे आयोनिक स्टेट में था जब क्लोराइड के साथ था सोडियम, तो आयोनिक स्टेट में था, पॉजिटिव चार्ज था तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मिला तो ये तो एटॉमिक स्टेट में चला गया, तो सोडियम यहाँ पर एटॉमिक स्टेट में हमें मिल गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्लोरीन और सोडियम जो है हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस से मोल्टन NaCl में से अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको रिजल्ट भी लिखना होगा। अब रिजल्ट और समझ लीजिए क्या है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन NaCl सोडियम क्लोराइड का, तो वहाँ पर क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस जो है लिबरेट होगा और सोडियम मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हम क्लोरीन और सोडियम जो है दो एलिमेंट्स, दो मतलब जो है एक क्लोरीन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, तो दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द मोल्टन स्टेट। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सब बच्चों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं।